Yes, good afternoon everyone. Today we are doing videography of class 9 chapter called linear equation in two variable. As the name suggests, linear equation in two variable chapter का name है. सबसे पहले एक example के साथ समझते हैं कि ये linear equation होती क्या two variable में, right? जो होती है, देखो कोई भी name of the chapter is linear इक्वेशन. ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ई क्यू की पार एन. ठीक है, ये एन लिखा है बेटा मैंने, है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का नेम है. अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे इसका तो आप ये लिखेंगे एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो कॉन्स्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, राइट. आई होप जो जो मैं स्केचपैड पे लिख रहा हूं आप भी साथ साथ नोट कर लीजिए. और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स. वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, यानी कि चेंज होती है. बेसिक इसका बड़ा छोटा सा है, अभी हम इसमें लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. शीना, कैन यू प्लीज रीड एक्सरसाइज 4.1, पेज नंबर इज 17, ओल्ड एनसीईआरटी. कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1. द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन विद अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट. टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक टू बी रुपीस एक्स एंड दैट ऑफ The pen to be rupees y. बेटा यहाँ तो हिंट हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स दिया है और पेन का कॉस्ट वाई दिया है, पर ऐसा हिंट हमेशा गिवन नहीं होगा, राइट. तो आपको अपने से लेना है, मैं क्वेश्चन आपको लिख के समझाता हूँ. क्वेश्चन एक बार ऐसे है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन, तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है. ठीक है, एक्सरसाइज है ये 4.1, क्वेश्चन नंबर है 1. सबसे पहले लिख लीजिए, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स. कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी रुपीज एक्स, ये वन लिखा है मैंने, और कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन का कॉस्ट हमने मान लिया रुपीज वाई. ठीक है, आप देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर से पढ़ो. नोटबुक का जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के नोटबुक का कॉस्ट था एक्स और वो पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा. अब इसे लेफ्ट में ले आइए तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो. ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी टू वेरिएबल में, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. सबसे पहले मैं इतनी पिक आपको भेज रहा हूं ताकि आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकें, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के आप फर्स्ट पार्ट पढ़ लेना, बाकी मैं खुद लिख के समझाता रहूंगा. ठीक है, एक सेकंड रुकिए, पिक आ रही है. ये फर्स्ट क्वेश्चन की पिक आपके पास है बेटा. ठीक है, अब मैं चाहूंगा शीना आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ें. शीना, सेकंड क्वेश्चन प्लीज. आई होप आपको ये विजिबल है मेरा, मतलब स्क्रीन. हाँ सर, पढ़िए. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस. फर्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. हाँ, तो मैं लिख के समझाता हूँ आपको. हर इक्वेशन को ax प्लस bx by प्लस c इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लाना है. तो जो कांस्टेंट टर्म अगर राइट साइड पे है तो उसे लेफ्ट में लाना है पहली बात, और उसके बाद स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यूज बतानी है. सबसे पहले मैं बोर्ड आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन हम यहाँ कर सके. तो सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है मैं भी चाहूंगा आप मेरे साथ साथ करते रहें. इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y is equal to 9.35 bar. अब ये जो 9.35 bar है
इसे आप लेफ्ट में ले आइए, तो ये बन जाएगा 2x plus 3y is equal to 2x plus 3y minus 9.35 bar is equal to 0, ठीक है? अब इसे आप कंपेयर कीजिए ax plus by plus c equal to 0 से, ठीक है? यहां ध्यान दीजिए, स्मॉल a क्या आ जाएगा, स्मॉल a आ जाएगा 2, b क्या आ जाएगा 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी minus 9.35 bar, ठीक है? ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये आप ध्यान में रखना, ओके? देखो कई बुक्स में मैं देखता हूँ ऐसे किया होता है कि कई टीचर है ना 2x और 3y को लेफ्ट में ले आते हैं और आंसर फिर ऐसे लिखते हैं, a है minus 2, b है minus 3 और c है 9.35 बार, वो भी वैसे सही होता है, गलत नहीं होता, ठीक है? पर बेसिक पैटर्न से आप चलोगे, ठीक है शीना, ये ध्यान रखो। अब मैं चाहूँ, अब मैं वन बाय वन स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? और डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम आ गया 5, ये आ गया 5x माइनस y माइनस, अगर इसे 5 बनाना है तो आपको पता है 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 50 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 बाय 1, ठीक है? तो ये आ जाएगा 5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू में 0 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है? सॉल्व होके इक्वेशन हमारी क्या बन गई शीना, आप पढ़ोगे जरा? 5x माइनस y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर कीजिए, अब मुझे यहां से ए बी सी की वैल्यू बता, पूरा डाल बाहर जाते यहाँ मुझे ए बी सी, हाँ वैल्यू बताइए यहाँ पर, ए है 5x, नहीं नहीं ए सिर्फ 5 और बी है y, नहीं नहीं बी है माइनस 1, कोफिशिएंट बी है माइनस 1 और सी क्या है माइनस 50 और सी है माइनस 50, ठीक है? ये क्वेश्चन बेटा एक और मेथड से भी हो सकता है, मैं दोनों तरीके से आपको करा रहा हूँ, मान लो कई बुक्स में ऐसे भी दिया हो सकता है, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है? अब इसे कंपेयर कीजिए ax plus by plus c equal to 0 से, तो दोनों ही आंसर सही है, गलत नहीं है, राइट? इसे अपने माइंड में a आप बताइए क्या होगा, गैस कीजिए, ये हो जाएगा a 1 होगा, b y y नहीं लेना, आपको सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, ये जो माइनस y बाय 5 है ना, इसे माइंड में लिखो माइनस 1 बाय 5 इनटू y, तो b हो जाएगा माइनस 1 बाय 5 और c हो जाएगा माइनस 10, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड से बोलना है क्योंकि हम वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं, आपको पता, राइट? अगर कोई रह भी जाता है तो पिक में आपको भेजूंगा, डोंट वरी। थर्ड जो पार्ट है ये दिया हुआ, सबसे पहले ये वाला जो 6 है इसे लेफ्ट साइड पे लाइए, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है? वैसे मुझे है ना x का कोफिशिएंट नेगेटिव बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इस माइनस को माइनस 1 समझो और राइट में ले जाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसे कंपेयर कीजिए किससे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, a क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, b आ जाएगा माइनस 3, c गैस कीजिए, c आएगा 6 आएगा, वेरी राइट, ठीक है? ये थर्ड पार्ट था हमारा। फोर्थ पार्ट ध्यान से देखिए, x इक्वल टू है 3y, तो सबसे पहले ये 3y को लेफ्ट में ले जाइए, ये आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0,
अभी इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो आप खुद से ऐसे लिख लो एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, और फिर इसे कोरिलेट कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ए गैस कीजिए, ए है वन, बी गैस कीजिए, बी है थ्री और सी है माइनस जीरो, थ्री माइनस थ्री, और सी है हमारा जीरो। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में कर रहा हूं, आई होप आप मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं। 2x दिया हुआ है माइनस 5y, सबसे पहले माइनस 5y को लेफ्ट में ले आइए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू जीरो। इसे फर्दर लिखेंगे 2x प्लस 5y प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, फिर आप इसे कंपेयर कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ए जो है टू है, बी गैस कीजिए बी है फाइव और सी है जीरो, सी है जीरो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पिक भेज रहा हूं, ये पांच पार्ट तक हमने कर लिया, अब सिक्स पार्ट से हम करेंगे। सारे वैसे तो ये सेम ही है, पर मैं चाहता हूं आप मेरे साथ साथ ही कर लें। 2 मिनट रुकिए, सेंड हो रहा है, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। ठीक है, और अब मैं चाहूंगा शीना आप ध्यान दे आगे सिक्स पार्ट ऑनवर्ड्स। तो सिक्स पार्ट ध्यान से देखिए, सिक्स पार्ट में इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, इसमें y वाली टर्म मिसिंग है, तो आप खुद से लिख दो इसे 3x प्लस 0y प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब आप इसे कोरिलेट कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, और बताइए मुझे स्मॉल ए क्या है। स्मॉल ए थ्री, बी जीरो और सी टू। ठीक है, ये था हमारा सिक्स पार्ट। सेवन पार्ट है y माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि x वाली टर्म मिसिंग है, तो खुद से लिख दीजिए जीरो एक्स प्लस वन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और अब आप इसे कंपेयर कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ए गैस कीजिए, ए है जीरो बी और बी है ना, सिंपल। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एट्थ पार्ट। इक्वेशन दिया 5 इक्वल टू 2x, इस बार 5 को ले जा रहा हूँ राइट साइड पर, तो ये ऐसे बन जाएगा 5 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, और ये बन जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि y वाली टर्म मिसिंग थी, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये आ गया ax प्लस by प्लस c से। अब आप कंपेयर कीजिए, फटाफट मुझे फाइनल आंसर बताइए। a है 2 b, और b है 0 और c है माइनस 5, c है माइनस 5, राइट? पहले मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ, और ये हमारी 4.1 तो कंप्लीट हो गई, पर इस वीडियो में हम 4.1 और 4.2 दोनों ही कवर अप कर रहे हैं, राइट? आपका कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो डोंट वरी, मैंने आपको पिक्स भेज दी हैं, आप आराम से वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और अब मैं चाहूंगा एक्सरसाइज 4.2 पर आते हैं, और आप ये रही एक्सरसाइज 4.2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर वन प्लीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। व्हाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल में, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, राइट? यूनिक का मतलब होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और
टू सॉल्यूशन का मतलब है दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन एक्सरसाइज है ये 4.2, क्वेश्चन नंबर है 1, इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x+5। तो आप क्या कीजिए, अपनी तरफ से x की डिफरेंट वैल्यूज डालिए, जैसे कि ग्राफ बनाते थे आप 8th क्लास में। तो x की जैसे x की जगह अगर 0 डालोगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 3 × 0 + 5। 3 × 0 = 0, 0 + 5 ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे x के प्लेस पे डिफरेंट वैल्यू डालते जाओ, पहले 0, 1, -1, 2, -2, इस तरीके से। x की जगह अगर आप 1 डालते हो तो ये बनेगा 3 × 1 + 5, यानी कि ये बन जाएगा 3 + 5, यानी कि 8। ऐसे ही x की जगह आप डिफरेंट वैल्यू डालते रहो, -1, तो ये क्या बन जाएगा, 3 × -1 + 5, ये आ गया -3 + 5, यानी कि 2। तो मेरा कहने का मतलब है शीना, आप यहाँ डिफरेंट वैल्यू डालते जाओ और आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट रिजल्ट मिलते जाएंगे वाई के लिए, राइट? जैसे कि टू या डालोगे तो मैंने मिलेगा, तो ये तो कभी एंड नहीं होने वाला ना। इनफिनिटली हाँ, इंटीजर्स आपके पास बहुत सारे हैं, राइट? तो अलग अलग वैल्यूज पे ये डेटा अलग अलग चलता जाएगा। 2 के बाद -2 डालो, फिर 3, फिर -3, ऐसे करके डिफरेंट इंटीजर डालोगे एक्स के तो डिफरेंट वाई की वैल्यूज आती जाएंगी हमारे पास। तो कहने का मतलब है ये कभी एंड नहीं होने वाला। तो यानी कि तो आप आंसर लिखोगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लें तीनों पार्ट। Write four solutions for each of the following equations. 2x plus y is equal to 7. Second, pi x plus y is equal to 9. Third, x is equal to y 4y. तो यहाँ पर हमें चार चार सॉल्यूशन बताने हैं, और गिवन इक्वेशन अलग अलग लीनियर फॉर्मेट में हमें गिवन है। तो मैं लिख के समझाता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x + y = 7, चार सॉल्यूशन हमें बताने हैं। एक तो तरीका होता है y को अलग कर लो, x को अलग कर लो, कुछ ऐसे कर लो, और आप चाहो तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 2x को अगर राइट में ले जाओगे तो y क्या आ जाएगा, 7 - 2x आ जाएगा। अब x की अपनी तरफ से डिफरेंट वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ लेफ्ट वाले क्वेश्चन में पुट की थी ना, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में x की डिफरेंट वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करो, बस होने इंटीजर चाहिए। ठीक है, जैसे पहले x को 0 पुट करो तो वाई क्या आएगा, और जो फ्रैक्शन में वाई की वैल्यूज आएंगी तो वो नेगलेक्ट करनी है आपने, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बोर्ड मास अप्लाई करना मत भूलना, पहले मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स अगर 0 है तो वाई क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ऐसे ही एक्स के प्लेस पे 1 पुट कीजिए तो वाई आ जाएगा 7 - 2 × 1, यानी कि 7 - 2 यानी कि 5। ऐसे ही एक्स के प्लेस पे -1 पुट कीजिए, वाई आ जाएगा 7 - 2 × -1। बोर्ड मास अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना, -(-+), तो वाई कितना आ गया, 9 आ गया, राइट? तो एक्स की डिफरेंट वैल्यू, चार ही हमें सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है 0, 1, -1, 2 ही करना, आप चाहो तो 3, 4, 5, -3, -4, कोई भी इंटीजर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स की पुट कर सकते थे। एक्स अगर आप 2 पुट करेंगे तो वाई आ रहा है 7 - 2 × 2, यानी कि 7 - 4 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर इसका शीना ऐसे आपको एक टेबल बना लेना, ऐसे एक टेबल बना लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये बी, ये सी, ये डी। देखो एक्स अगर 0 है तो वाई आया 7,
एक्स अगर वन है तो वाई आया फाइव, एक्स अगर माइनस वन है तो वाई आया नाइन, और एक्स अगर टू है तो वाई आया थ्री। आई होप क्लियर है आपको ये। यस सर। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ ये, एक सेकेंड। सेंड हो रहा है। और अब मैं ये बाकी के दोनों पार्ट भी ऐसे ही हैं, मैं आपको लिख के समझाता हूँ प्रॉपर, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। इसमें इक्वेशन दी है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नाइन। अब पाई की जगह पाई रहने देना है, 22/7 मत पुट करना। फर्स्ट स्टेप में क्या करो, पाई एक्स को राइट में ले आओ, तो ये इक्वेशन चेंज होके बन जाएगी वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस पाई एक्स। पाई यहां पर एक कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब वैसे ही अपनी तरफ से वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह अगर जीरो करते हो तो वाई आएगा नाइन माइनस पाई इंटू जीरो, पाई इंटू जीरो इज जीरो, तो वाई आ जाएगा नाइन। फिर एक्स की जगह वन पुट कीजिए तो वाई आ जाएगा नाइन माइनस पाई इंटू वन, यानी कि नाइन माइनस पाई। पर प्लीज बेटा पाई की जगह 22/7 या 3.14 मत रखना, बस ऐसे ही पाई की ही टर्म में आंसर निकालना, ये बात को ध्यान में रखना। ओके ओके सर। और ये वैल्यू हमें अपनी तरफ से करनी है, पहले जीरो किया, वन किया, माइनस वन करो, माइनस वन करोगे तो ये आ जाएगा नाइन माइनस पाई इंटू माइनस वन, माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव, तो वाई आ जाएगा नाइन प्लस पाई। ऐसे x की जगह 2 पुट करें तो ये आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2, और बोर्ड मास लगाना है, ये नहीं 9 माइनस 2 अब 7 लिख दो, पहले मल्टीप्लाई होती है, तो ये आंसर आएगा 9 माइनस 2 पाई। ये बनाना अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि 10th क्लास में जो ग्राफ प्लॉट करना है और 9th में भी जो ग्राफ प्लॉट करना सीखना है वो इसी के बेसिस पे आपको सिखाऊंगा। ये देखिए ये x, ये y, ये जो चार वैल्यूज आई हैं इन्हें आप नाम दीजिए a b c d। x अगर 0 है तो y आ रहा 9, x अगर 1 है तो y आ रहा 9 माइनस पाई, x अगर माइनस 1 है तो y आ जाएगा कितना 9 प्लस पाई, और x अगर 2 है तो y आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। आई होप क्लियर है आपको ये। यस सर। पाई की टर्म में ही आंसर बताना है। थर्ड पार्ट काफी आसान है, देखिए यहाँ ऑलरेडी एक्स साइड में है और वाई एक साइड में, एक्स इक्वल टू फोर वाई में, फोर वाई है, तो यहाँ पर अब एक्स की बजाय वाई की वैल्यू डालो। वाई को अगर जीरो मानते हो तो एक्स आ जाएगा फोर इंटू जीरो, यानी कि जीरो। वाई को अगर आप वन लोगे एक्स आ जाएगा फोर इंटू वन, फोर। y को माइनस वन लोगे x आ रहा है फोर इंटू माइनस वन, यानी कि माइनस फोर। y को अगर आप टू लेते हैं x आ जाएगा फोर इंटू टू, यानी कि एट। अब ऐसे बना लीजिए, ये x, ये y। मैं चाहता हूं आपके एक एक दो दो चैप्टर आगे के भी हो जाए, राइट। देखो x 0 पे y 0 है, y अगर 1 था तो x 4 है, y अगर माइनस 1 था, y में y की वैल्यू डालना, x में x की वैल्यू डालना, y अगर माइनस 1 है तो x है माइनस 4, y अगर 2 है तो x है 8। ये वैल्यूज आ गई। आई होप क्लियर है ये। कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। शीना। यस सर। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके सर।
अगर कोई रह भी जाएगा तो इश्यू नहीं है, मैं टाइम दूंगा आपको करने के लिए। इन द मीन टाइम प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर थ्री। Check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. First, 0, 2. Okay, अब हमें एक इक्वेशन दी है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर और डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो उसके सॉल्यूशन है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेशन होती है पी ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स है 0 और वाई है 2। ये वैल्यू मैं डालूंगा इस इक्वेशन के अंदर और अगर एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाती है तो ये पॉइंट इसके सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन के, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, मैं लिख के समझाता हूँ। आई होप ये मैंने सेंड कर दिया आपको। ओके, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले जो मेन इक्वेशन है वो लिख लीजिए। मेन इक्वेशन हमें दी है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू में 4। पहला जो पॉइंट है मान लीजिए वो ए दिया हुआ है 0, 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको समझाया था लोकेशन पॉइंट की ऐसे होती है कि पॉइंट जो है उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सिस में 0 और वाई में 2 है। तो आप क्या करोगे, पुट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 2। ये आप किस में पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। एक्स की जगह 0 रखिए और वाई की जगह 2 रखिए, तो ये ऐसे आ जाएगा। क्या माइनस 4 और 4 आपस में इक्वल हैं? नहीं है, राइट? तो आप ऐसे लिखेंगे नो ए 0, 2 इज नॉट the solution of the given equation. I hope आपको क्लियर है ये। Yes sir. सेकेंड पार्ट पढ़िए। 2, 0 है मेन इक्वेशन, तो वही है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में पॉइंट है 2, 0। आप इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट पी से लोकेट कीजिए तो साफ साफ पता चल रहा है एक्स है 2 और वाई है 0। ये वैल्यू किस में पुट करनी है हमें, इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स की जगह रखिए 2, इक्वेशन नंबर 1 ये थी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4। एक्स की जगह रखिए 2 माइनस 2 और वाई की जगह रखिए 0। और बोर्ड मास मत भूलना, पहले मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 4। अब क्या 2 और 4 इक्वल होते हैं? नहीं, नो। तो आंसर लिखिए नो बी 2, 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये ऐसे करना आपने, ठीक है? ओके, थर्ड पार्ट में ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट में सी पॉइंट दिया हुआ है 4, 0। पी से कंपेयर कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 वही सेम रहेगी, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। एक्स है 4 और वाई है 0। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, विच वॉज एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4। एक्स की जगह रखिए 4 और वाई की जगह रखिए 0। बोर्ड मास लगाना ना भूलें। 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू आ गया 4। तो अब ये तो 4 और 4 बराबर आ गए बेटा, और बराबर आ गए तो क्या लिखोगे? यस, सी 4, 0 is the solution of the given equation. तो ये solution आ गया given equation का, याद रखना। Next we are moving to fourth part. ये सबसे important है।
डी है रूट टू कॉमा फोर रूट टू, इसे कंपेयर कीजिए, यानी कि एक्स की जगह रूट टू और वाई की जगह फोर रूट टू आप पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर वन। अगर आपको ध्यान है तो इक्वेशन नंबर वन क्या थी, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर थी। तो एक्स की जगह लिखिए रूट टू, यहाँ जहां जहां एक्स एक्स की जगह रूट टू आया और वाई की जगह फोर रूट टू आ गया। अब रूट टू का मतलब होता है वन रूट टू, और टू इंटू फोर रूट टू हो जाएगा एट रूट टू इक्वल टू फोर। वन रूट टू माइनस एट रूट टू हो जाएगा माइनस सेवन रूट टू। अब क्या माइनस सेवन रूट टू और फोर आपस में इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो आप आंसर लिखेंगे नो, डी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर लिखेंगे इज नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन इक्वेशन। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये मैं अब आपको सेंड कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए। एक मिनट, ये सेंड हो रहा है। अब ये मैंने आपको सेंड कर दिया, राइट? अब मैं ये बोर्ड ड्रॉप कर रहा हूँ, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ओवर हो गया पूरा, राइट? और अब मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का भी और इस वीडियो का भी, मैं चाहूंगा आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा अच्छा, एक पार्ट, एक पार्ट रुको रुको, उसमें एक पार्ट रह गया है, फिफ्थ पार्ट 1.1, पहले वो कर लेते हैं, ठीक है? रुकिए, तो थर्ड क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें इक्वेशन है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर, इसे वो इक्वेशन नंबर वन लिखिए, और ये पॉइंट है कैपिटल E 1.1, आप इसे कंपेयर करेंगे किससे, x कॉमा वाई से। हाँ, तो पुट x इज इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू वन, किस में डालोगे, इक्वेशन नंबर वन में। x की जगह रखिए वन और y की जगह भी रखिए वन, तो ये आ गया वन माइनस टू इक्वल टू फोर। माइनस वन इक्वल टू फोर, क्या माइनस वन फोर के इक्वल है? नहीं, नो। तो यानी कि E 1.1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर वन, जो कि थी x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, ठीक है? अब मैं चाहूंगा आप इसका लास्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन रीड करें। यस सर, find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. तो यहाँ पर एक equation दे रखी है fourth में, 2x plus 3y equal to k, और बोला है कि x equal to 2 और y equal to 1 इसका अगर solution है तो k की value निकालनी है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू टू एंड y इक्वल टू वन, ये आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर वन में, और करना क्या आपको, k की वैल्यू निकालनी। तो x की जगह टू पुट कर रही है, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू, y की जगह वन आएगा और k की जगह k आएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू के। के की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, के की वैल्यू आ गई हमारी 7। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी, जिसमें हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2।
जल्दी 4.3 और 4.4 के लिए हम अलग वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू।